दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही रोचक व ज्ञानवर्धक है। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कुल संपत्ति 1 करोड़ रुपए है, जिसमें से उस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी कुल संपत्ति का 1% हिस्सा दान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास उसकी कुल संपत्ति मात्र 1000 रुपये ही है, जिसमें से उस व्यक्ति ने 100 रुपये किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दिया है, जिसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति ने अपनी कुल संपत्ति का 10% हिस्सा दान कर दिया है। इस अनुपात में अगर देखा जाए तो 1 लाख रुपए दान करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा 100 रुपए दान करने वाले व्यक्ति का दान बड़ा है, क्योंकि 1 लाख रुपए दान करने वाले व्यक्ति ने अपनी कुल संपत्ति का मात्र 1% हिस्सा ही दान किया है, जबकि 100 रुपए दान करने वाले व्यक्ति ने अपनी कुल संपत्ति का 10% हिस्सा दान कर दिया है। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे ही दान की कहानी है, तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्ध अपने गृह राज्य आए हुए थे। कुछ क्षण रुकने के पश्चात महात्मा बुद्ध जब वापस जाने लगे तो उस राज्य के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति, सेठ साहूकार, अपने अपनी सामर्थ्य के अनुसार महात्मा गौतम बुद्ध को दान देने के लिए उनके पास आए। उन सभी सेठ साहूकारों ने अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हीरे, जवाहरात, सोने चांदी, आभूषण महात्मा गौतम बुद्ध को दान दिए। महात्मा गौतम बुद्ध ने भी सहर्ष अपने एक हाथ से उन सभी दान को स्वीकार कर लिया। राजा बिंबिसार ने भी अपनी तरफ से हीरे, जवाहरात, रत्न, आभूषण, सोने चांदी वगैरह महात्मा बुद्ध को दान दिए। महात्मा बुद्ध ने राजा बिंबिसार के दान को भी अपने एक हाथ से सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ क्षणों के पश्चात वहां पर एक गरीब बुढ़िया उपस्थित हुई। उस निर्धन बुढ़िया ने अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा बुद्ध से कहा, भगवान, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जब मैंने आपके जाने का समाचार सुना तो उस समय मैं यह आम खा रही थी, जिसमें से आधा आम मैं खा चुकी थी। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए मैं यह आधा आम आपको देने के लिए लाई हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस दान को स्वीकार कर लें। इतना सुनते ही महात्मा बुद्ध अपने स्थान से उठ खड़े हुए और स्वयं चलकर उस बूढ़ी माँ के पास गए और अपने दोनों हाथों को फैलाकर उस जूठे आम को सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह नज़ारा देखकर वहाँ की सारी जनता अवाक रह गई। स्वयं राजा बिंबिसार भी यह सब देखकर अचंभित हो रहे थे। उसके बाद वह बुढ़िया महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहाँ से चली गई। उस बुढ़िया के जूठे आमों को अपने दोनों हाथों से स्वीकार करने की बात राजा बिंबिसार को अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर महात्मा बुद्ध ने उस बुढ़िया के जूठे आमों को अपने दोनों हाथों से स्वीकार क्यों किया, जबकि मेरे राज्य के कई सेठ साहूकारों के हीरे, जवाहरात, सोने चांदी जैसे कीमती सामानों को महात्मा बुद्ध ने अपने एक हाथ से स्वीकार किया है। स्वयं मेरे भी द्वारा दिए गए कीमती दानों को महात्मा बुद्ध ने अपने एक हाथ से ही स्वीकार किया है, मगर उस गरीब निर्धन बुढ़िया के जूठे आमों को महात्मा बुद्ध ने अपने दोनों हाथों से स्वीकार क्यों किया? यही बात महाराजा बिंबिसार को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। जब राजा बिंबिसार से रहा नहीं गया तो उन्होंने जाकर महात्मा बुद्ध से इसका कारण पूछा। राजा बिंबिसार की इस जिज्ञासा को समझते हुए महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे।
और मुस्कुराते हुए राजा बिंबिसार से बोले, राजन, आपके राज्य के सभी बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने और स्वयं आपने भी जो भी कीमती दान मुझे दिया है वह आपकी कुल संपत्ति का 10% हिस्सा भी नहीं है, जबकि इस बूढ़ी माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पास उसकी कुल संपत्ति उसका वही आम ही था। इस तरह से देखा जाए तो उस बूढ़ी माँ ने अपने जूठे आधे आम को यानी कि अपनी कुल संपत्ति को ही मुझे दान दे दिया। इसीलिए मैंने उस बूढ़ी माँ के दान को अपने दोनों हाथों से स्वीकार किया है। महात्मा गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर महाराजा बिंबिसार और वहां पर उपस्थित सभी जनता महात्मा गौतम बुद्ध के आगे नतमस्तक हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी दान का मूल्य इस बात पर निर्धारित नहीं होता है कि उस दान का मूल्य कितना है, बल्कि दान का मूल्य इस बात पर निर्धारित होता है कि आपने अपनी कुल संपत्ति में से कितना दान किया है, बल्कि दान का मूल्य इस बात पर निर्धारित होता है कि आपने अपनी कुल संपत्ति में से कितना धन दान किया है। दान करने वाले का दिल देखा जाता है, उसका प्रेम देखा जाता है, ना कि उसके धन की मात्रा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी।